अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारा नक़्सद, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम सालसा पास्ता बनाएंगे यूजिंग बेक पार्लर पास्ता, ठीक है। वो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इट्स लाइक अ साइड डिश, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। आप इसको सैलड के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं अगर आप इसको ठंडा सर्व कर रहे हैं, लेकिन हम तो इसको गर्म सर्व करेंगे। खारा बन बन रहा है, खारा मतलब स्पाइसी और सॉल्टी, बेसिकली सॉल्टी। सो हमें क्या करना है, सारे अज्जा को हमें मिक्स कर देना है और राइज होने के लिए 2 घंटे छोड़ देना है। अब ऑब्वियसली 2 घंटे तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो वील ट्राई एंड डू इट क्विकली, ठीक है। 4 कप मैदा लिया है, उसमें हमने खमीर डालना है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जितनी चीनी डालनी है, 1 टीस्पून नमक जाएगा। ज़ीरा है इसमें साबुत, या आप दरदरा सा कूट के डाल दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, प्याज चॉप किया हुआ है, कड़ी पत्ते भी चॉप किए हुए हैं, हरा धनिया चॉप किया हुआ है, हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं। ये आप कोई रोस्ट वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। और 4 चमचे मक्खन है जो कि मेरे पास यहाँ है, जिसको पिघला के एंड में हम डालेंगे। और यहाँ दूध है, दूध को मुझे करना है थोड़ा सा गरम। सो मैं इसमें कर लेती हूँ, वार्म मिल्क चाहिए मुझे 1.5 कप। अब दूध जो है वो गरम होना चाहिए, प्लीज़ ये याद रखिएगा, अगर दूध ठंडा होगा तो ये राइज नहीं होगा। इसको यूज इट इन अनदर पैन, मुझे छन्नी मिल जाएगी, छन्नी मुझे छन्नी मिल जाएगी प्लीज। यहाँ छन्नी नहीं है कोई भी छन्नी। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू वार्म द मिल्क अप। दूध जब गर्म हो जाएगा उसको छान लेंगे, इसमें कुछ आया था। फिर सारी चीज़ों को हम डाल देंगे एक दफ़ा, वील स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज फिर टाइम नहीं होगा। मैदा 4 कप, जब भी आप खमीर की कोई चीज़ बनाएं, जो भी दूध पानी लिक्विड जो भी हो, गरम हो, नीम गरम हो, ठीक है, बट नॉट खोलता हुआ। बॉइलिंग होगा तो आपका जो यीस्ट है वो मर जाएगा, ठीक है। इसमें हम नमक शामिल करेंगे, अब हर चीज़ डाल के मुझे इसको गूंद के रख देना है। सो नमक, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा, थोड़ी सी चीनी, खमीर में हमेशा नमक चीनी की ज़रूरत पड़ती है। खमीर ग्रैन्यूलर भी होता है इस तरह का, और पाउडर फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ये चला गया, प्याज चॉप की हुई छोटी सी, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, सब कुछ हो गया, दूध गर्म हो रहा है हमारा यहाँ। हल्के पे पहले हम करेंगे इसको मिक्स, और मैं माइक्रो कर दूंगी मक्खन बिकॉज मुझे इसको पिघला हुआ मक्खन डालना है। थोड़ा सॉफ्ट पिघला हुआ मक्खन जाएगा और फिर ये गरम दूध जाएगा। ठीक है, पिघला हुआ डालिएगा, इसको अच्छी तरह मिक्स होने दीजिएगा। और दूध है यहाँ, दूध मैं ज़रा इसी में डालूँ बिकॉज़ मेरे लिए आसान होगा।
उसको पोर करना। सेवरी बंस हैं ये, खारा यानी सॉल्टी। ये एक डिफरेंट सी चीज़ है जो आप डिनर रोल्स की जगह सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा डिनर रोल्स हों या आपको बाहर से ख़रीदना पड़े। कितनी सारी खमीर की चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। अब इसको तेज़ हुक है, डो का जो हुक अटैचमेंट है इस मास्टर शेफ का, सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट, बिल्कुल भी हार्ड डो नहीं हो। अगर हार्ड होगा तो जो आप बना के आप जब खाएंगे तो वो एंड प्रोडक्ट भी हार्ड होगी। हार्ड नहीं हो। बंस आप अलग अलग बंस रखिएगा। मैं सिलिकॉन का मैट लेके आई हूँ, उस पर जोड़ के नहीं रखिएगा इसको। ठीक है, तो अगर आपको ब्रेक लेनी हो तो यू कैन टेक अ ब्रेक। ये राइस होगा और हम सालसा पास्ता की रेसिपी बनाएंगे बेक पार्लर की ब्रेक के बाद, और दिस हैज़ टू राइस। ठीक है, इसको टाइम लगेगा राइस होने में। इतनी अच्छी तरह आप उसको गूंद दीजिए, ये मशीन नहीं हो तो दूसरे किसी मशीन में गूंद दीजिए। लेकिन डो जो होता है ब्रेड का, उसको ये हुक वाले अटैचमेंट के साथ, देखें ये वाला, ये जो हुक वाला अटैचमेंट है ये, ठीक है, इसके साथ अगर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। और इसी तरह डो स्ट्रेची सा होना चाहिए, सॉफ्ट सा होना चाहिए। सो मैं ऐसे करती हूँ, रिकैप कर दूँ। 4 कप मैदा था, 1 चमचा भर के खमीर था, 1 चमचा भर के चीनी थी पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला था, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर था, लाल जो जिससे लाल रंग अच्छा सा आया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें थी, 2 छोटे प्याज चॉप किए हुए थे, 2 से 3 कड़ी पत्ता के स्प्रिग्स लेके उसको चॉप कर दीजिएगा। ठीक है, डंडी निकाल दीजिएगा। धनिया था हरा, उसको चॉप कर दिया। हरी मिर्चें 2-3 ली थी, वो चॉप कर दी। 4 चमचे पिघला हुआ मक्खन है और 1.5 कप गरम दूध है। ठीक है, नॉट खोलता हुआ, गरम दूध था। ये आप राइस होने के लिए माइक्रोवेव ऊपर रख दीजिए या चूल्हे के पास रख दीजिए, और 1 से 2 घंटे तो लाजमी छोड़ दें, फिर निकालें, फिर हाथ से शेप दें, जो भी शेप देना है। हमें तो सिर्फ प्लेन बंस बनाने हैं, और उसके बाद फिर आप उसको राइस दोबारा करें, डबल प्रूफिंग, बेक करें, निकालें, कपड़ा ढाँक दें और फिर सर्व कर दें। विल टेक अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। बेक पार्लर के बारे में मैं आपको बताती चलूं, दे आर वाकई द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स। और बेक पार्लर का ये कमाल है कि आप जब इसको ये सारी रेसिपीज ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा वाकई किसी रेस्टोरेंट से जाके खा रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट पे तैयार करता है। 18 मुख्तलिफ इनके शेप्स हैं, और ये जो सारे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपी मिक्सेस नज़र आ रहे हैं, वो 26 मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं। तो आप भी घर लाइएगा। मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ। इसके अलावा दे ऑल्सो गॉट चिली गार्लिक सॉस, केचप, एंड अभी तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इमली का सॉस, जो रमज़ान में आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप बनाते हैं, चाट वगैरह उस पर आप डाल सकेंगे, एंड यू डोंट हैव टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, और शरबत की भी उनकी रेंज है, इसमें जामे मशरक और आइसक्रीम सिरप भी है। इसके अलावा ये जो बेक पार्लर की चिली गार्लिक सॉस है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। सो आज हम बना रहे हैं सालसा पास्ता। उसके लिए मैंने यहाँ पानी गर्म कर दिया है, और बेक पार्लर की ट्विस्टेड मैकरोनी हम लेंगे आज। अच्छा, आज हमारे पास है वाउच 365 की किताबें, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, एबटाबाद एंड पेशावर के मेरे फैंस एंड व्यूअर्स अगर जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू आज, तो आपने मुझे
पास्ता की रेसिपीज़ बतानी है, ठीक है? कोई भी अच्छी से पास्ता की रेसिपी सोचिएगा, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, चंद कतरे आप तेल के डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक, और पास्ता को आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए। पास्ता हमेशा अल डेंटे बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा मशी नहीं कर देते हैं, ठीक है? कच्चा भी नहीं रखना है लेकिन मशी भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं। तेल थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसमें प्याज और लहसुन डालेंगे, उसको हम सौते करेंगे, उसमें हम टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, टमाटो पेस्ट जाएगा, टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, तो बिग पार्लर का है वो, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी और लेमन जूस जाएगा। इसके बाद हम टमाटर डाल के उसको अच्छी तरह पकने देंगे, ठीक है? आप चंकी भी रख सकते हैं, यानी कि बिल्कुल साबुत थोड़े थोड़े नज़र आए, दिस इज़ नथिंग कच्चा इन दिस, आप वैसे भी खा सकते हैं इसको, या आप सालसा बना के सिर्फ पास्ता अंदर फोल्ड कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं लाइक करती हूँ, देखती हूँ शो से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, थैंक यू, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब डेली बात हो जाती है आपसे। जी थैंक यू जी, बहुत खुश होती हूँ आपसे बात करके। अच्छा पास्ता के नाम बताइए, अगर ये जीतना है आपने किताबें हमारी वाउच 365 की। ये चिकन पास्ता है, बारबेक्यू पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, और कुछ, और मैकरोनी पास्ता। अच्छा मैकरोनी तो पास्ता का ही नाम है ना, एक रेसिपी के नाम सोचिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, ये तो हमने नोट कर दिए हैं, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले तो तेल हम इसमें डालेंगे। अच्छा जो खारा बन, यानी कि जो हमने सेवरी बंस बनाए हैं उसको बना के फॉर्म करके शेप देके दूसरे मैंने अवन में रख दिए हैं, ताकि वहाँ ज़रा उसको हवा ना लगे, यहाँ एसी चल रहा है ना, और फिर वो जब राइज़ हो जाएंगे, एटलीस्ट आधा घंटा तो मैं राइज़ करूँ बिकॉज मुझे बेक भी करना है। 4 कप मैंने मैदा लिया था, 1 चमचा खमीर था, 1 चमचा चीनी थी पिसी हुई, 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून जितना मैंने साबुत ज़ीरा डाला था, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें थी, 2 छोटे प्याज चॉप किए हुए थे, 2 से 3 स्प्रिग्स ले लीजिएगा कड़ी पत्ते के, वो भी चॉप कर दीजिएगा, धनिया भी ऐसे ही 2-3 डंडियाँ ली थी चॉप कर दिया था, 2-3 हरी मिर्चें चॉप की हुई, 4 चमचे टोटल मक्खन गया था, फीका वाला नहीं है ये, पीला वाला मैंने यूज़ किया था, नमकीन वाला, ठीक है? और 1.5 कप दूध, दूध को गर्म करना है हमने, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ओके, तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें आप डालें प्याज। जैसे मैंने पहले बताया था, आप दोनों तरीक़ों से ये पास्ता सर्व कर सकते हैं, एज अ सैलड ऑल्सो एंड एज अ मेन और अ साइड डिश ऑल्सो। इसमें आप चिकन डालना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ट्यूना मछली का टिन खोल के डालना चाहें वो भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। प्याज और लहसुन, इसको सौते करना है, ठीक है? थोड़ा सा पकाएंगे इसको। सो बंस बनाते वक्त या कोई भी खमीर की चीज़ बनाते वक्त, डबल रोटी या कुछ भी आप बना रहे हैं, आपको डो को नरम गूंदना है, ये याद रखिएगा। नीम गर्म पानी या दूध इस्तेमाल करिएगा, बॉइलिंग नहीं। बॉइलिंग होगा तो क्या होगा कि वो खमीर फिर मर जाता है उसमें, ठीक है? हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं। अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, जिसमें बहुत अच्छे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, तो जल्दी से 8881 पे मुझे अपने फ़ोन से SMS करके बताइए पास्ता के नाम, पास्ता की रेसिपीज़ के नाम, ठीक है? मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब ये नहीं कहिए चिकन पास्ता, वेजिटेबल पास्ता, पास्ता की रेसिपीज़ होती है ना, जैसे लज़ानिया है, अल्फ्रेडो है, ऐसी चीज़ें सोचे ना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाई हैं तो वो आपने सीखी है ना, अब बताइए मुझे भी। अच्छा जी, हरी मिर्चें गई इसमें, फिर आप इसमें टमाटर शामिल करिए, 2 बड़े चॉप किए हुए हैं, आप इसमें डालिए शिमला मिर्च, फिर इसमें टमाटो पेस्ट जाएगा और टमाटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस बेक पार्लर का।
सालसा हमेशा थोड़ा सा स्पाइसी होता है, ये याद रखिएगा, फीका सा नहीं बनाइएगा। और टमाटो पेस्ट भी चूँकि हमने डाला है तो इसको हमने करना है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट लेवल कम करके, थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है। ठीक है, तीनों चीज़ें डालिएगा, चिली गार्लिक सॉस और केचप एक पार्लर का और टमाटो पेस्ट। टमाटर भी मैं डाल चुकी हूँ इसमें। अब आप हरा धनिया अंदर डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, सो ब्रेक से आएंगे फिर दूसरी चीज़ें करेंगे। पास्ता अगर हो गया होगा तो उसको हम, ट्विस्टेड मैकरोनी मैंने बॉईल की है बेक पार्लर की, तो उसको हम निकाल देंगे, ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, चलिए जी, तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी मैं रीकैप कर दूं, वेलकम बैक। आप लोगों ने अगर जीतना है वाउच 365 की किताबें, जो बहुत अच्छी बाय वन गेट वन फ्री कूपन्स हैं, इसे बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, एबटाबाद एंड पेशावर के हमारे फैंस एंड व्यूअर्स, जल्दी से SMS करिए 8881 पे अपने फ़ोन से और मुझे बताइए पास्ता की रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब सबसे पहले मैंने सालसा, पास्ता के लिए सालसा बनाया है। अब सालसा किस तरह बनता है ये बना के आप ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं, गर्म भी आप सर्व कर दीजिएगा जब हम पास्ता इसमें फोल्ड इन करेंगे। यहाँ ट्विस्टेड मैकरोनी बेक पार्लर की बॉयल करके पानी में से छान के ठंडी करनी ज़रूरी है। ठीक है, आपने, अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे बिकॉज आई डोंट थिंक कि दिस इज़ इनफ। फिर मैं आपको पूरा रीकैप करूंगी। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले तेल आपने गरम किया, उसमें आपने टमाटर डाले, प्याज और लहसुन डाला, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, टमाटो पेस्ट, केचप और चिली गार्लिक सॉस मैंने बेक पार्लर का डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें हम डाल रहे थे और ब्रेक आ गई थी, सो कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी इसमें। और हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, ये सारे सॉसेज नमकीन होते हैं, सो डोंट ऐड टू मच। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चीनी भी जाएगी, थोड़ी सी चीनी और लेमन जूस। और मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने ब्रेक में ना बंस को रख दिया था अवन में, बिकॉज देखें दिस हैज़ टू राइज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे हमारे पास नहीं है और फिर यहाँ हमने इसको बेक भी करना है 25 मिनट, तो फिर मेरे शो का टाइम ख़त्म हो जाता, तो ये अच्छे बड़े बड़े बंस बनेंगे। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, इसको बीच में से काट के आप इसको एक बर्गर बन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें बीज नहीं था इसलिए ऐसे आज डाल रही हूँ। ठीक है, सब कुछ चला गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर ये पास्ता फोल्ड इन कर देना है, दैट्स इट। डिश में निकाल देंगे बिकॉज दिस इज़ डन। इसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करिएगा, एक दफ़ा पास्ता आपने डाल दिया फिर जस्ट जेंटली, ठीक है, टूट नहीं जाए, कोई सा भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि पास्ता ड्राई नहीं हो जाए, तो थोड़ा सा पानी या टमाटो केचप थोड़ा सा और डालिएगा ताकि ज़रा अब्जॉर्ब भी अगर हो जाए पास्ता में ये सॉस, तो फिर भी अंदर सॉस ही रहे। और इसको आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, लाइक अ सैलड, तो फिर कम रखिएगा इसमें पानी या केचप जो भी डाल रहे हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी इसलिए डाला था बिकॉज मैंने इसमें इस्तेमाल किया है टोमेटो पेस्ट। खारा बंस, जो ये बंस अवन में चले गए हैं, खारा का मतलब होता है सॉल्टी और स्पाइसी, कुछ भी नहीं इसमें था, कोई बड़ा नाम नहीं है। 4 कप मैदा लिया था, 1 चम्मच खमीर डालिएगा इसमें, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून आप इसमें भर के ज़ीरा डाल सकते हैं, कुटा हुआ भुना हुआ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें गई थी, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर था, प्याज चॉप थी, हरा धनिया चॉप्ड, हरी मिर्चें चॉप्ड और कड़ी पत्ता चॉप्ड, और गर्म दूध था, पिघला हुआ मक्खन था। गूंद के आप 2 घंटे कवर करके रख दीजिएगा अवन के ऊपर, अगर माइक्रो में रखना है या चूल्हे के पास रखना है
दो घंटे के बाद निकालिएगा, शेप दीजिएगा और उसको आप बेक करिएगा। एक कॉलर है जी, उनसे करते हैं बात। हेलो जी, हेलो, सलाम अलैकुम, कैसी हैं जनक भाटी आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। जनक भाटी, मुझे ये कहना था कि आप स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज के आमलेट और जैम जेली इस तरह बच्चों के लिए सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि ऑरेंज का भी मौसम है और स्ट्रॉबेरी का, तो आप सिखा दीजिए। आमलेट दो दिन, आमलेट की रेसिपी दो दिन तक बनती है, दो दिन में लगता है आमलेट बनाना, इस तरह नहीं है कि मैं एक घंटे में बना लूँ। मैंने आपको बनाना सिखाया है ये, इनफैक्ट ये मैंने आपको पिछले साल नहीं तो उससे पहले तो मैंने आपको 100% सिखाया है। मामलेट का सब कुछ रेडी करके एक रात छोड़ देते हैं, दूसरे दिन उसको पकाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसकी रेसिपी अगर मैं आपकी नेट में देख लूँ तो वो आ जाएगी ना? शायद होगी, मामलेट बाय जार्नक सिद्वा देख के ट्राई करिएगा, अगर रेसिपी मिल जाए, वीडियो मिल जाए तो आपको। और स्ट्रॉबेरी जैम तो मैंने कितनी दफा सिखाई है, स्ट्रॉबेरी कितनी दफा, जी तो वो भी मैं नेट में ही देख लूँ। हाँ, स्ट्रॉबेरीज तो देखिए, स्ट्रॉबेरी जैम तो बहुत आसान है, ऐसे झटपट बन जाती है, ठीक है। सिर्फ इतना करना है, स्ट्रॉबेरीज घर लाइए, डंडियां तोड़ दीजिए, स्लाइसेस में काटिए, जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं तोल करिएगा, वे करिएगा, उतने चीनी और एक पूरा लेमन का जूस ये डाल के एक कांच के बर्तन में उसको घुमा के मिक्स करके पूरी चीनी, लेमन जूस और स्ट्रॉबेरीज फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन निकालिए और उसको हल्की आंच पे पका लीजिए बस। और सॉसर टेस्ट करिएगा, सॉसर टेस्ट याद है कैसे मैंने आपको सिखाया था? एक सॉसर सॉसर लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडा हो जाए तो निकालिएगा, जब जैम बन जाए तो एक ड्रॉप डाल दिएगा, वो फैलना नहीं चाहिए, ऐसे करके वो वहां जम जाए आपकी ठंडी सॉसर पे, उसका मतलब है आपकी जैम रेडी है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जैम बना लीजिएगा ऐसे मैंने जैसे बताया, जितने स्ट्रॉबेरीज उतनी चीनी, मगर मामलेट आपको, मैं मेरी वाली मामलेट की रेसिपी दो दिन में बनती है, सो एक रात आपने सारा प्रेप किया, प्रेपरेशन किया, ऑरेंजेस छीले, छिलका चॉप किया, वो सारा कुछ किया, दूसरे दिन आपने फिर उसको पकाया, वो जरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सवाल हमने रखा है पास्ता की रेसिपीज के नाम बताइए। पास्ता की फजीता पास्ता, चीज पास्ता, फजीता चीज पास्ता, और आपने एक दफा क्रीमी पास्ता, क्रीमी सैलेड पास्ता सिखाया था, और वेजिटेबल पास्ता, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। और अगले हफ्ते और इतवार को 12-13 मार्च को हम आ रहे हैं, हम सब आ रहे हैं टू लाहौर, मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर लाहौर, ठीक है। तो आप लोग भी अगर वहाँ रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, तो ज़रूर आइएगा, हमसे मिलिएगा, और लाइव कुकिंग भी होगी, गेम्स हैं, प्राइजेज हैं, लॉट्स ऑफ फन, कॉन्सर्ट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो योर सालसा पास्ता इज रेडी। बंस देखें कितने बड़े हो गए हैं, राइस भी हुए हैं और बेक भी हो रहे हैं, अभी मुझे उनको निकालना नहीं है, ठीक है। सो अगर आप थक गए हैं प्लेन बंस खा खा के, तो फिर इस तरह की रेसिपीज़ हैं ना, इस्तेमाल करिएगा। चलिए मैं एक ब्रेक लेती हूँ, क्लीन अप करती हूँ, आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है पाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करिए मुझे और बताइए जवाब। सवाल मैंने पूछा था आज, पास्ता की रेसिपीज़ के नाम बताइए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। सालसा पास्ता का मैं रिकैप कर दूं, अगर आपने नहीं देखा शो या अभी ज्वाइन किया है, मैंने तेल गरम किया था, उसमें प्याज और लहसुन चॉप करके डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें टमाटर चॉप करके डाले थे। अगर आपको सॉस ही चाहिए तो 2-3 टमाटर अच्छे से बड़े से लाल वाले लीजिएगा, हरी मिर्चें गई थी, शिमला मिर्च और टमाटो पेस्ट, फिर केचप और चिली गार्लिक सॉस मैंने बेक पालर का डाला था, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी चीनी और लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद आप उसमें हरा धनिया मिक्स कर दीजिएगा, जो बेक पार्लर का मैंने ट्विस्टेड मैकरोनी का जो पास्ता इस्तेमाल किया था, पानी लिया था एक बड़े से पैन में, उसमें मैंने नमक और थोड़े से चंद कतरे तेल के डाले थे और उसको उबाल आने दिया था, फिर पास्ता डाल दिया। पास्ता 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं बॉईल करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, अल डेंटे रखते हैं, एक वाइट होना चाहिए उसमें, फिर जब वो पास्ता हो गया तो छान लीजिएगा, छानने के बाद फिर आप उसको मिक्स कर दीजिएगा सालसा
के सॉस के साथ। अब आप इसको इस तरह एज अ सैलड सर्व करें या साइड डिश के तौर पे सर्व करें। अगर आप इसमें चिकन टिक्का चंक्स डालना चाहते हैं या ट्यूना मछली का एक टिन डालना चाहते हैं ड्रेन करके उसका तेल या पानी, वो भी कर सकते हैं। आप इसमें सॉसेजेस डाल सकते हैं, इसमें मकई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, या इसको ऐसे ही एग्जैक्टली सालसा बना के पास्ता को फोल्ड कर सकते हैं, जैसे एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, अच्छा बंस प्लीज़ दिखाइए इफ़ द कैमरा कैन कैच इट। बड़े बड़े डायनासोर टाइप बंस बने हैं, मैं क्या करूँ हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने राइज करने का टाइम ही नहीं होता है, तो फिर एक घंटे के शो में दो घंटे वाले राइजिंग के मेथड्स हम नहीं कर सकते हैं। सो ये मैंने फ़ौरन ही बेक करने रख दिया था। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, 4 कप मैदा था, 1 चमचा भर के खमीर डालिएगा, और इसमें आपने डालना है 1 चमचा भर के चीनी और 1 टीस्पून नमक। खमीर की कोई भी चीज़ हो, कोई सा भी आप बन बना रहे हो, कोई भी शेप हो, अगर खमीर डाल रहे हैं चीनी नमक बहुत ज़रूरी है, और लुक वॉर्म नीम गरम, ठीक है, एकदम खोलता हुआ पानी या दूध नहीं। तो 1.5 कप दूध लेके मैंने उसको गरम किया था और वो डाला था, ठंडा नहीं डालिएगा और खोलता हुआ नहीं डालिएगा, बीच में नीम गरम होना चाहिए। अच्छा जी, और फिर हमने उसमें ज़ीरा डाला था, धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके डाली थी, फिर हमने उसमें और क्या डाला था जनाब, कुटी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, प्याज, कड़ी पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और पिघला हुआ 4 चमचे मक्खन चाहिए हमने, और ये सारी चीज़ें बना के गूंद के रख दीजिएगा। बॉल्स आप बनाइए 1 घंटे के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद, जब अच्छी तरह डो राइज हो जाए, शेप जो भी आपको देना है जो शेप देके आप ट्रे पे रख दीजिए। हमेशा आपको याद है मैं वो जुड़े हुए बंस बनाती हूँ टिन के अंदर, वो भी अच्छा लगता है कि एक बन निकालो। आज मैंने सेपरेट बनाए हैं इनकेस हैमबर्गर्स के लिए चाहिए या आपको किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, रोस्ट के साथ, किसी गोश्त की रेसिपी के साथ, किसी चिकन के साथ भी आप इसको साइड में सर्व कर सकते हैं। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपने शो पे, बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। क्विक कुक हाउस से भी उन्होंने पहली दफ़ा लॉन्च किया है, 4-in-1 pack है जिसमें 2 कड़ी मसाला हैं, चाट मसाला है, कॉन्डिमेंट्स हैं, स्पगेटी है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। लज़ानिया का भी जो मिक्स है वो भी बहुत अच्छा है, घर बैठे आप इटालियन खानों का मज़ा लीजिए जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे, और 2-in-1 रेसिपीज़ बेक पार्लर की बेहतरीन सी हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। 26 मुख्तलिफ किस्म के जायके मौजूद हैं और 18 मुख्तलिफ शेप्स हैं। इमली का सॉस इंट्रोड्यूस इन्होंने किया है, गुड टाइम बिकॉज रमज़ान आ रहे हैं, तो आप खट्टी मीठी मुनफरद सी इमली की चटनी खा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पर डाल के, और अदरक और मिर्ची का मुनफरद जायका लिए बेक पार्लर चिली गार्लिक सॉस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, खाने का मज़ा दुबाला कर देता है। केचप और चिली गार्लिक सॉस टोमेटोज से बना, हिफ्जान सेहत के मुताबिक। अच्छा जी, पोलियो की मुहिम चल रही है, हम सब ने भी बचपन में पोलियो के कतरे लिए थे, हमने अपने बच्चों को भी दिए थे। प्लीज़ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो पोलियो के जो आते हैं वर्कर्स आते हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, उनके साथ ताउन करिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए एंड मेक आर कंट्री पोलियो फ्री। ठीक है, ये ज़रूर करिएगा, वरना फिर ये बीमारी इरेडिकेट ही नहीं होगी, ये ख़त्म ही नहीं होगी। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वैक्सीनेशंस की बात आती है तो फिर वैक्सीनेशंस भी लीजिए, कोरोना के वैक्सीनेशंस बहुत सारे डरपोक लोगों ने पैसे देके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बना लिए हैं, तो ये नहीं करिएगा, हम सब ने लिए है ना वैक्सीनेशन, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक, बंस आर रेडी, लुक एट देम। और एक मैंने काटा था बीच में से, अंदर मक्खन रख दिया है देखें आप लोग इसको जाली पे रख के प्लीज़ ठंडा करिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। और अब मुझे आपको दिखाना है, तस्वीरें भी लेनी हैं, और बहुत ही बेहतरीन से मसाला के ये जो बंस हैं जिसको मैंने खारा बन नाम दिया है, खारा मीन्स सॉल्टी, सेवरी, नॉट मीठा बन, ठीक है। मक्खन का ब्लॉब अभी बीच में रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यम्मी। डबल रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी भी फॉर्म में हो, सो डेफिनेटली बनाइएगा। ये देखें, ये एक हमने काट लिया था, अंदर मक्खन रख दिया था, सो टेम्पटिंग, मक्खन और डबल रोटी तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। अच्छा जी, अब क्या है लज्जत में 5 बजे लाइव, बटर चिकन विंग्स फैंसी पिज्ज़ा चिकन स्ट्रॉबेरी सालसा बनेगा। कल मैं क्या बना रही हूँ,
नहीं, कल मैं ये नहीं बना रही हूँ, कल मैं कुछ और बना रही हूँ। अच्छा, बुक के लिए विनर जो हैं वो मिसेज मुनीर हैं हैदराबाद से, वाउच 365 की कूपन बुक, और हिना फ्रॉम मुल्तान। कल मैं कुछ और बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मैं कल, नॉट दिस। ओके, सो आई कांट सी क्या बना रही हूँ। टुमारो इज़ वेनसडे ना। अच्छा, कल मैं बंगाली चना दाल बना रही हूँ, चॉकलेट ब्रेड बना रही हूँ। सो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, ट्यून इन करिएगा, 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ आपके साथ, और रात में 12 बजे, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, एवरीथिंग इज़ रेडी, और खारा बन रेडी है, सालसा पास्ता रेडी है, बेक पार्लर की रेसिपी हमने बनाई थी, इसके साथ आप बीच में कटलेट रखें या चिकन स्ट्रिप एक पूरी रख दें, या आप जिस तरह हम बैटर फ्राइड चिकन बनाते हैं, ग्रिल चिकन बनाते हैं, फ़िश रख सकते हैं, फ़िश फ्राई करके बीच में सिर्फ चीज़ की स्लाइस रख सकते हैं, मक्खन लगा दीजिए, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है। तो दीज रेसिपीज़ नोट, डेफिनेटली मेक देम, और मुझे फीडबैक दीजिएगा, स्पेशली ये जो बंस हैं। बस राइजिंग का टाइम दीजिएगा 1 से 1.5 घंटा, फिर शेप करके आप उसको 1 घंटा छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद फिर, और ये मज़ीद मज़ेदार बनेंगे अगर गीला एक तौलिया आप ऊपर रख दें जैसे ही अवन में से निकलें। दैट्स इट। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।